गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, आज आपकी इंग्लिश की क्लास है। इंग्लिश में हम इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 8 कर रहे हैं, जिसका नाम है लिटिल रेड राइडिंग हुड। ये एक छोटी सी लड़की की स्टोरी है और बहुत अच्छी स्टोरी है, जिसे मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ लिटिल गर्ल हु ऑलवेज रोर अ रेड क्लॉक विद अ हुड। बिकॉज ऑफ दिस शी वॉज नोन एज लिटिल रेड राइडिंग हुड। एक छोटी लड़की थी और हमेशा वो क्या करती थी, रेड कलर के कपड़े पहनती थी, जिसकी वजह से उसका नाम क्या पड़ गया, लिटिल रेड राइडिंग हुड। अब इसके आगे सुनिए। शी लिव्ड विद हर मदर इन अ लिटिल हाउस ऑन द एजेस ऑफ द वुड। वन डे हर मदर आस्क हर टू टेक सम केक्स टू हर ग्रैंड मदर। तो अपनी मम्मी के साथ वो रहती थी, एक दिन उसकी मम्मी ने कहा कि कुछ केक लेके दादी के लिए जाना है। और दादी कहाँ रहती थी, हु लिव्ड इन अ कॉटेज एट द अदर साइड ऑफ द वुड। उसकी दादी दूसरी तरफ रहती थी। अब आगे सुनिए, आगे स्टोरी में क्या होता है। लिटिल रेड राइडिंग हुड लव गोइंग टू सी हर ग्रैंड मा एंड शी स्किप अलोंग द पाथ थ्रू द वुड्स विद द बास्केट ऑफ केक्स। तो लिटिल रेड राइडिंग हुड केक लेके जाती है और क्या, जिस रास्ते से जाना था उस रास्ते को स्किप कर देती है, दूसरे रास्ते से जाती है, बास्केट में उसके केक रखे होते हैं। ऑन द वे शी स्टॉप टू पिक सम फ्लावर्स। दिस वॉज अ मिस्टेक बिकॉज देयर वॉज अ वुल्फ हु लिव्ड इन द वुड्स एंड ही सॉ हर। तो क्या होता है बेटा, वो क्या करती है, रास्ते में उसको फूल दिखते हैं, फूल तोड़ने लगती है और यहीं पे वो गलती करती है, क्योंकि एक जो भेड़िया होता है, वुल्फ होता है, वो उसको देख रहा होता है। ही वॉज गोइंग टू ईट हर अप देयर एंड देन बट इंस्टेड ही डिसाइडेड टू टॉक टू हर। तो भेड़िया क्या करता है, भेड़िया उसे खाने जा रहा होता है, लेकिन भेड़िया सोचता है कि पहले इससे बात कर ली जाए। ही आस्क हर वेयर शी वॉज गोइंग, वो उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। आई एम टेकिंग दिस केक टू ग्रैंडमास शी सेड। तो बोलती है अपनी दादी के लिए वो क्या कर रही है, वो केक लेकर जा रही है। आई नो सेड द क्राफ्टी वुल्फ, लेट्स हैव अ लिटिल गेम, आई विल रेस यू देयर। तो जो चालाक वुल्फ होता है वो क्या कहता है, कहता है चलो हम छोटा सा खेल खेलते हैं, हम क्या करते हैं कि हम रेस लगाएंगे। They both set off the walking down different paths, but the wolf took a shortcut and go to the cottage first. तो भेड़िया बहुत चालाक होता है, वो क्या करता है, वो शॉर्टकट अपनाता है, यानी छोटा रास्ता लेता है, एक दूसरा रास्ते, और उससे उस रास्ते से जाके वो कॉटेज में सबसे पहले पहुंच जाता है, दादी की कॉटेज तक। ही नॉक ऑन ग्रैंडमास डोर बट इंस्टेड बाय सेइंग हेलो ही गोबल्ड हर अप। और वो क्या करता है, दादी के डोर पर है नॉक करता है, उसके बाद दादी जैसे ही डोर खोलती है वो क्या करता है, दादी को निगल जाता है। ही देन पुट हर ऑन हर नाइट ड्रेस एंड हिड इन हर बेड वेटिंग फॉर लिटिल रेड राइडिंग हुड टू कम। अब वो क्या करता है, उसके बाद दादी के बेड में जाके छिप जाता है उनकी नाइट ड्रेस पहन के, और किसका इंतज़ार करने लगता है, लिटिल रेड राइडिंग हुड जो बच्ची होती है उसका इंतज़ार करने लगता है। व्हेन रेड राइडिंग हुड केम टू ग्रैंडमाज हाउस शी वेंट टू द बेडरूम टू सी हर। वो क्या करती है, लिटिल रेड राइडिंग हुड जब आती है वो तो दादी के बेडरूम में जाती है उनको देखने के लिए। यू टुक अ लिटिल स्ट्रेंज ग्रैंडमा सी शेड, वो क्या करती है दादी से कि आप थोड़ी अजीब लग रही हैं। व्हाट बिग हेयरी आर्म्स यू हैव, कि आपके बाल बहुत ज़्यादा, आपके जो हाथ हैं बहुत ज़्यादा बालों वाले हैं। उसको हाथ पे क्या दिखाई देते हैं, बाल ही बाल दिखाई देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, आगे सुनिए। ऑल द बेटर टू हग यू विद माई डियर सेड द वुल्फ, बट व्हाट बिग ईयर्स यू हैव ग्रैंडमा, ऑल द बेटर टू हियर यू विद मी यू विद माई लव द वुल्फ स्नेकर्ड। तो क्या करती है कि दादी उसको थोड़ी अजीब लगती है, दादी के हाथों पे बाल बाल हैं और उसको लगता है दादी की जो कान है वो भी थोड़े बड़े हो गए हैं। तो क्या करती है उसके बाद, यू हैव सच अ बिग आइज ग्रैंडमा, उसको दादी की आंखें भी बड़ी लगती हैं। आई लव टू सी यू सो मच माई डियर, और स्नार्ल एट द वुल्फ। तो वुल्फ क्या बोलता है कि क्या कहते हैं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बट वट वेरी बिग टीथ यू हैव ग्रैंडमा, पर आपके दांत क्या हैं, बहुत बड़े हैं। ऑल द बेटर टू ईट यू विद, रोड द वुल्फ एंड जम्प आउट टू द बेड। तो वुल्फ क्या होता है, एकदम से जब वो अपने बारे में इतनी सारी बातें सुनता है, वो एकदम से बेड से जम्प करता है और नीचे आता है। ही चेज रेड राइडिंग हुड राउंड द कॉटेज एंड देन आउट ऑफ द डोर। लकीली अ वुड कटर वॉज वर्किंग नियर बाय एंड ही हियर द लिटिल गर्ल्स क्राइज। तो क्या करता है, जब बेड से जम्प मार के आता है तो उसके बाद क्या होता है, वो
वहाँ पे उस जो छोटी बच्ची होती है लिटिल रेड राइडिंग हुड, उसको देख के डर जाती है। तो लकीली क्या होता है, एक वुड कटर होता है वहाँ पे, क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है उसके पास में। वो जो छोटी बच्ची होती है लिटिल रेड राइडिंग हुड, उसकी ना चीख सुनता है, उसके रोने की आवाज़ सुनता है। ही किल्ड द वुल्फ विद हिज एक्स। तो क्या करता है, वुल्फ को मार देता है, किससे, अपनी एक्स से, जो उसकी कुल्हाड़ी होती है उससे वुल्फ को मार देता है। एंड ग्रैंडमा पॉप द वुल्फ स्टमी ऑल इन वन पीस। तो जो उसकी दादी होती है वो क्या करती हैं, वो जो वुल्फ के पेट के अंदर होती है एकदम से बाहर आती हैं। लिटिल रेड राइडिंग हुड थैंक द वुड कटर। तो लिटिल रेड राइडिंग हुड किसको, जो वुड कटर होता है उसको धन्यवाद देती है फॉर सेविंग हर लाइफ, अपने लाइफ को बचाने के लिए। एंड प्रॉमिस नेवर टू स्पीक टू अ वुल्फ एवर अगेन। और बोलती है, प्रॉमिस करती है कि इसके बाद वो किसी भी वुल्फ से दोबारा कभी बात नहीं करेगी। तो बेटा ये क्या थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी थी, लिटिल रेड राइडिंग हुड। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अब आपका काम क्या है बेटा, इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, ये देखिए, एच कॉटेज मिस्टेक इंस्टेड डिसाइडेड क्राफ्टी कोबल्ड। और ये सारे वर्ड्स आप क्या करोगे, सारे वर्ड्स आप कॉपी में करोगे, नीट एंड क्लीन करोगे। इसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको बता रही हूँ। छोटी सी एक्टिविटी क्या है, देखिए यहाँ, कलर द लिटिल रेड राइडिंग हुड्स क्लॉक एंड द बास्केट ऑफ केक्स। अब आपको इसकी जो ये ड्रेस है इसमें आपको कलर करना है। तो कलर आप कौन सा करेंगे बेटा, क्योंकि वो रेड कलर के कपड़े पहनती थे तो इसमें रेड कलर करेंगे। और बास्केट क्या है, बास्केट में केक भी आप बना सकते हैं। तो बस यही छोटा सा काम है जो आपको अपनी कॉपी में करना है। इसके बाद इसकी बैक एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट क्लास में भेजूंगी। आज की क्लास बस यहीं तक थी। बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।